डियर स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीचेक रिजल्ट को लेकर बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे सीधा अपडेट्स के बारे में, उससे पहले रिक्वेस्ट आप सभी से, जो पहली बार आए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको रियल ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिल सके, ठीक है। अब देखिए रीचेक रिजल्ट को लेकर आपको पता है क्योंकि आज हो चुकी है बच्चों 2 दिसंबर, ठीक है। 2 दिसंबर आपकी हो चुकी है आज की डेट में हम बात करें, और कल आपका है 3 दिसंबर। कल आपका कितना है? 3 दिसंबर। आज हो चुकी है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर आज हो चुकी है। और जावेद सर का एक ट्वीट आया था, आप सभी को पता है, जावेद मुस्पा सर ने ट्वीट करके बताया था, पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए जरूरी सूचना यह है कि उनका रीचेक रिजल्ट 3 दिसंबर को आना है, यानी कि कल, ठीक है। आज 2 दिसंबर हो गई, यानी कल आपका रिजल्ट आएगा रीचेक वाला। जावेद सर के अनुसार अगर किसी वजह से रिजल्ट नहीं आया 3 को, तो 5 को आएगा। उम्मीद है कि 3 को आ जाए, यानी कि कल आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, ऐसी उम्मीद है। जाबिर मुस्पा सर ने भी ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी थी, पहले आपको पता है 3 को आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कल की डेट में आपका रिजल्ट आ जाएगा। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, सर रिजल्ट कैसा आएगा, अच्छा आएगा ना कि खराब आएगा। भैया आपने पैसे दिए हैं 500 रुपया, तो उम्मीद है आप सभी का रिजल्ट अच्छा आएगा, आप सभी बच्चों की बैग क्लियर कर दी जाएगी, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। अब देखना ये होता क्या है, भगवान से प्रे करो आपका रिजल्ट अच्छा आए, सभी बच्चे पास हो जाए, मेरी तो ऐसी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के लिए है, सभी बच्चे अच्छे नंबर से पास आउट हो जाए, मेरी तो ऐसी बच्चों के लिए शुभकामनाएं है, ठीक है। जो बच्चे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं जल्दी से ज्वाइन कर लें, आपको लिंक यहां पर दूंगा मैं, टेलीग्राम पर सबसे पहले आपको लिंक दिया जाएगा रीचेक रिजल्ट का, तो यहीं पर आपको लिंक दूंगा मैं, है ना। तो यहां इसको जरूर ज्वाइन कर लें, यहां पर आपको पीडीएफ, मॉडल पेपर और सारी चीजें यहां पर आपको दी जाती है। अब बात कर लेते हैं जो नोटिस आया था उसके बारे में। देखिए ये नोटिस जारी किया गया है प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, है ना। जो रीचेक रिजल्ट वाले देखने को आए थे वीडियो वो जाकर छोड़ सकते हैं, यहां पर हम बात करेंगे। जो बात की जा रही है वो है प्लेसमेंट को लेकर, प्लेसमेंट कराया जा रहा है, पूल कैंपस ड्राइव की बात की जा रही है। यहां पर कंपनियां आई हैं, यहां पर राजकीय पॉलिटेक्निक ताहलवे ललितपुर में, यहां पर क्या है, पूल कैंपस ड्राइव 2.0 कराया जा रहा है, 6 तारीख को ऑनलाइन एग्जाम कराया जाएगा और 14 को इंटरव्यू होगा। ये बात कर रहे हैं प्लेसमेंट के रिगार्डिंग हम, ठीक है। यहां पर सारी चीज दे रखी है कि क्या क्या है और क्या 14 दिसंबर को इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ऑटोमोबाइल के बच्चे इसमें जा सकते हैं जो 21 और 22 में पास आउट हैं। यहाँ पर सारी चीजें दे रखी है, जो बच्चे इच्छुक हैं भैया प्लेसमेंट में वो जा सकते हैं, यहाँ पर नंबर वगैरह भी दे रखा है, और प्लेसमेंट कौन से कॉलेज में होगा सब कुछ आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। ऑफिशियल नोटिस जारी किया है राजकीय पॉलिटेक्निक ताहलवेड ने, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ललितपुर से ऑफिशियल नोटिस आया है। तो ये तो रही फिलहाल प्लेसमेंट की खबर जो की मैंने आपको दिखा दी, यहां पर भी हम बात करेंगे प्लेसमेंट्स रिगार्डिंग। यहां पर ऑफिशियल लेटर जारी किया है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और सिविल वाले बच्चों के लिए है, इंडियन रेलवे में वैकेंसी आई हुई है। यहां पर देखिए यहां पर सब कुछ मेंशन आउट किया गया है, जूनियर इंजीनियर के लिए पोस्ट जारी की गई है, यहां पर डेट भी मेंशन कर दी गई है कि इसका फॉर्म कब से भरा जा रहा है, 21 तारीख से लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की, 20 तारीख 12वां महीना 2022 इसकी लास्ट डेट है। यहां पर आप देखिए इसकी जो जूनियर इंजीनियर की हम बात करें इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, तो देखिए यूआर के लिए 2 सीटें हैं, एससी के लिए और ओबीसी के लिए यहां पर 1 सीट है, टोटल 4 सीटें हैं। सिविल की बात करें तो 1 सीट है टोटल यूआर के लिए है, ठीक है। यहां पर बात करें तो 22 साल से आपका 28 ईयर तक की उम्र होनी चाहिए, एक्सपीरियंस सब कुछ पढ़ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छी सैलरी पैकेज भी मिलेगा यहाँ पर, और जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है। तो आप लोग जो बच्चे इच्छुक हैं जाके इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो रही अपडेट, ठीक है, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर आप लोग इसमें अप्लाई करोगे तो आप लोगों को अच्छा मतलब गवर्नमेंट जॉब है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट वगैरह कि आपको निकाल दिए जाए, बेटा गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। आपको एक बार सिलेक्शन मिल गया यहाँ पर, फिर आपको कोई निकालने वाला नहीं होगा। तो ये सारी ये पूरा पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, परेशान ना हो, ठीक है, फुल पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, कैसे क्या करना है, फॉर्म कैसे भरना है, सब आराम से देख लेना, मस्त चीज है, ठीक है। ये पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर आपको दे देंगे, आराम से वहीं से आप क्रिएट कर लेना, ठीक है। तो अगली अपडेट भी प्लेसमेंट के रिगार्डिंग है, क्योंकि मैंने रीचेक रिजल्ट भी बता दिया शुरू में जो आना था, अब हम बात करेंगे प्लेसमेंट के बारे में। देखिए ये भी ये कंपनी है सेंट्रल नोट्स प्रेस रोड सर्विस रिगार्डिंग, ये भी कंपनियां है, तो भाई जा सकते हो जो बच्चे इच्छुक हैं, और कितनी कितनी पोस्ट है, सैलरी की बात करें 27,000 आज से लेकर 95,000 तक की सैलरी मिलेगी आपको। ये सारी चीज देख सकते हो, कौन कौन सी सुपरवाइजर की जॉब है,
और आपका बीटेक होना चाहिए, पॉलिटेक्निक होना चाहिए, सारी चीजें आपको यहाँ पर देख सकते हो। पूरा नोटिस अगर आप इसको देखना चाहते हो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, आपको कितनी सैलरी मिलेगी सब कुछ इस नोटिस में मेंशन है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, लास्ट डेट कब है इसकी, सब कुछ, और कौन सी वेबसाइट से भरे जाएंगे, सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम पर पूरी पीडीएफ दे दूंगा मॉडल, वहां से आराम से बच्चों पढ़ लेना, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, कितनी सीटें हैं, कितने आपको टाइपिंग कितना होगा, सब कुछ, टेस्ट कितने मिनट का होगा, सब कुछ इस नोटिस में मेंशन आउट किया गया है। आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।